वेलकम टू द चैनल गाइस, अजय यार। तो ये वाले ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ रिंग डोरबेल प्रो का इंस्टॉलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आप रिंग डोरबेल प्रो लोगे तो इतना याद रखना कि इसके लिए वायरिंग ज़रूरी है। इसमें बैटरी बैकअप नहीं है, बैटरी ऑपरेशन नहीं है, 100% ये इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से चलेगा। तो अगर आपको रिंग डोरबेल के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये डोरबेल में कैमरा बिल्ट इन होता है, जैसे ही मोशन डिटेक्ट होता है आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके घर के यहाँ कोई आया है। और इसके अंदर इंटरकॉम भी है, तो अगर कोई बेल बजाएगा तो आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकोगे। तो अभी मैं इसकी वायरिंग चालू करता हूँ तो आपको आइडिया आएगी अगर आप इधर घर लोगे तो रिंग डोरबेल प्रो का वायरिंग मैं कैसे करता हूँ। तो अभी मैं निकालने वाला हूँ ये। इसके साथ एकदम सिंपल प्रोसेस है, ये दो स्क्रू है, ये पीस बाहर आएगा और इसके अंदर दो वायर कनेक्ट होगी। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो अभी ये दो स्क्रू निकाल रहा हूँ मैं। तो बेस्ट चीज़ क्या है, ये बॉक्स में ड्रिल बिट भी इंक्लूडेड है, तो मैं अपने ड्रिल से इधर होल करूँगा ब्रेक में और फिर उसका ब्रैकेट लगेगा उसके ऊपर। तो इसका पावर सोर्स मैं बंद करके आया हूँ, यानी मैं ब्रेकर ऑफ कर दिया, तो शॉक लगने का टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें एक प्रोसेस है। मेरे को अंदर जाके एक छोटा ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा जिधर घंटी बजती है, तो इसके लिए मैं मेक श्योर किया कि पावर सोर्स बंद हो गए। तो ये दोनों लूज हो गया, तो ये बस इसके हाथ से ही निकाल देना। तो ये देखो, इसके पीछे दो वायर लगती है। अगर आपके लाइट में बल्ब होएगा तो ये बल्ब इधर बीच में जाता है। तो अभी बस ये दो वायर निकालूंगा और बेल हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये बेल निकलेगी ऐसे ही, ये अपनी रिंग डोरबेल है। तो इसके बीच में ऐसे इधर पुश करने का ब्लैक पार्ट पे और इसका फ्रेम बाहर आएगा। और इधर जो होल्स दिए है, एक इधर एक इधर, तो इधर स्क्रू लगेगा। तो अभी कैमरा मेरे को एंगल में चाहिए, तो इसका एंगल के लिए ब्रैकेट है इधर, उसके ऊपर मेरा डोरबेल लगेगा। तो ये ब्रैकेट प्रिटी मच ऐसे जाएगा इधर और इसके ऊपर मेरा डोरबेल फिट होएगा इधर। तो क्या होएगा, ये साइड का मेरे को ज़्यादा कवरेज मिलेगा। पर ये कैमरा की बेस्ट चीज़ ये है कि इसका अप्रॉक्सीमेटली 160 डिग्रीज का एंगल है, तो ये पूरा साइड मेरा सब कवर हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ड्रिल लेने के लिए। तो ये वाला जो ब्रिक, जो ये वाला एलोग ने बिट प्रोवाइड किया है वो खास ब्रिक के लिए, तो अभी मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ होल करने के लिए। दूसरा स्क्रू, एक्चुअली एक ही होल किया क्योंकि वो पहले वाले बेल का दो होल ऑलरेडी किए हुए थे, तो उसमें से एक होल मैं यूज करूंगा। तो क्वाइट फ्रैंकली इसके साथ ये लोग को वॉशर्स प्रोवाइड करने चाहिए थे, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैं दिखा दूं आपको। तो ये देखो, ये स्क्रू अंदर गया है राइट, पर इतनी बड़ी गैप है कि अगर कोई ये खींचेगा तो पूरा स्क्रू पीछे रह जाएगा और ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं अभी एक वॉशर डालूंगा, तो अगर कोई खींचने को ट्राई करेगा ना तो ये निकलेगा नहीं। तो ये दो वॉशर लेके आया हूँ मैं, तो अभी कोई खींचने को ट्राई करेगा तो हाथ में नहीं आएगा। इन ऑल रियलिटी ये कंपनी को सोचना चाहिए था ये सब। तो ये देखो, ये ऊपर का लग गया, ये नीचे का, अभी कोई खींचेगा तो टेंशन नहीं है, ये
निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो जो दो वायर है इसके पीछे, तो इट सीम्स कौन सा भी साइड कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एंड माइनस वाला हिसाब नहीं है। तो ये इसे थोड़ा घुमाऊंगा, क्योंकि कोई और होता था कैमरा पकड़ने के लिए, पर एनीवेज ये वायर अभी सीधा इसके अंदर टर्न करके स्क्रू कर डालूंगा। तो ऐसे दो कैमरा लगी है मेरी इधर पर, लेकिन मेरे को ये चाहिए था मेन, क्योंकि मेरे को चाहिए मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आवे अगर मेरे इधर कोई भी आएगा, या तो अगर इधर से कोई जंप मार के भी आएगा मेरे बाजू वाले के यहाँ से। तो ये दोनों वायर लग गए, अभी ये सीधा बैठेगा इसके ऊपर इधर, और एक स्क्रू इधर लगेगा और एक नीचे इधर। तो दोस्त छोटे छोटे स्क्रू सप्लाई किए हैं लोग ने कैमरा से माउंट पे करने के लिए। तो अपडेट देने का था, ये जो एंगल वाला माउंट है वो एक्चुअली यूजलेस है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, उसके ऊपर जब भी मैं बेल लगा रहा हूँ ना तो वो स्क्रू बराबर बैठ रहा ही नहीं है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये माउंट एकदम थर्ड क्लास है। मैं क्या करने वाला हूँ, ये बेल को मैं डायरेक्ट दीवार में डालने वाला हूँ। तो ये लगा दिया, ये तो एकदम सॉलिड टाइट हो गया है। अभी इसके ऊपर एक कवर आता है और उसके नीचे एक स्क्रू लगता है, तो क्या होता है ये स्क्रूज फिर विजिबल नहीं होंगे, और वो अलग टाइप का स्क्रू है तो कोई चोरी नहीं कर सके उसके लिए। तो अभी ये ट्रांसफॉर्मर अंदर यूनिट पे लगाने का, तो ये वाला यूनिट है, तो इट सीम्स इसका कवर ऐसे ही बाहर। तो इधर दो टाइप की कनेक्शन है, एक में इधर जैसे लिखा है फ्रंट, दूसरे में लिखा है ट्रांसफॉर्मर, तो एक जाएगा फ्रंट में एक जाएगा ट्रांसफॉर्मर में। तो ये मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। पीछे इसके टू साइडेड टेप है जो मैं इससे ये चिपका दूंगा इधर, और कवर बंद करूंगा। पर ये बंद करने से पहले मैं जाके सर्किट ब्रेकर चालू कर रहा हूँ, मेरे को मेक श्योर करने का है सब बराबर चल रहा है। तो ये देखो, ये इधर लाइट आ गई, मैं बेल बजाया, इधर बेल बजी और अंदर बजी। अभी नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, मैं रिंग की ऐप खोलने वाला हूँ और ये कैमरा अपने अकाउंट में ऐड करने वाला हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है और मैं फिर बताता हूँ आपको। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है, इधर साइड में एक बटन है सेटअप के लिए, एक टाइम वो बटन दबाऊंगा तो ऐप रिकग्नाइज करेगा और फिर सिंक होएगा। रिंग डोरबेल इज इन सेटअप मोड, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द रिंग ऐप टू कंटिन्यू। बेल तो मस्त एकदम सेटअप हो गई, वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गई। अभी इसके ऊपर कवर लगाऊंगा, नीचे सिक्योरिटी स्क्रू डालूंगा और फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक और अच्छी बात क्या है, ये बेल के साथ अगर कोई कभी भी इधर आएगा ना, पहले फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगा विदाउट फेल। तो जैसे दिख रहा है ये ब्लैक ब्राउन ऑफ वाइट सिल्वर, तो मैं लगाने वाला हूँ ऑफ वाइट, ठीक है। लगेगा सीधा ऐसे एकदम स्नैप होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। और देखो इसमें नाइट विजन के लिए भी है, ये हो गया, ये कवर निकाल रहा हूँ इसके ऊपर से और हो गई अपनी बेल कंप्लीट। तो ये दूसरा साइड है स्क्रू ड्राइवर का, जो मैं बोल रहा था ना अलग टाइप का स्क्रू है, तो वो स्क्रू लगेगा इधर नीचे, इधर नीचे। ये हो गया एकदम मस्त टाइट, ये देखो बेल भी एकदम मस्त टाइट हो गई, प्लास्टिक निकलेगा और ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट। तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये प्रोडक्ट की, कि उसके बाद भले बेल गुम हुए पर लेकिन एटलीस्ट मालूम पड़ेगा कोई आया था इधर और उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी।
ओके गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग. आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.